الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 तरावी मुकम्मल हुई जिसमें कुरान की 8 पारे और इसी के साथ साथ 9 पारे में आधा पारा आज पढ़ाया गया तिलावत की गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से तफसीर में सूरह आराफ चल रहा है, उसके अलावा और भी सूरतें ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 96 के अंदर फरमा रहा है कि अगर किसी को बरकत चाहिए, आदमी आज रोना रोता है हमारे कमाई में बरकत नहीं है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे और भी चीज़ों में कामों काज में बरकत नहीं है, क्या किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बहुत अहम चीज़ें बयान फरमाई। अगर तुमको बरकत चाहिए तो तुम दो चीज़ों को अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलौ अन अहलल कुरा आमनु वत्तकौ, अगर कोई भी बस्ती, कोई भी मुसलमान, कोई भी बस्ती का रहने वाला, किसी भी कौम का रहने वाला, वलौ अन अहलल कुरा आमनु, पहला ये कि ईमान वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उसका ईमान हो, अगर वो उसका ईमान बहुत पुख्ता है, वत्तकौ और इसी के साथ साथ वो बस्ती वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाए। दो बहुत अहम चीज़, एक ये कि आदमी का ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए। एक आदमी मुसलमान होता है, कहने का कहता है मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आता है, अल्लाह की इबादत करनी होती है, अल्लाह की बातें सुननी होती है, तो वहाँ उसका ईमान काम नहीं करता है। यहाँ ईमान का मतलब ये है कि ईमान हकीकी मानों में बहुत मजबूत हो, मोमिन हो, सच्चे मानों में वो मोमिन हो। और इसी तरीके से अगर वो पक्का सच्चा मोमिन है तो उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा। दूसरा क्या, मुत्तकी होना, परहेजगार होना, अल्लाह का खौफ होना, अल्लाह की खशियत उसके दिल के अंदर है। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, हम उसके लिए आसमानों जमीन के दरवाजे खोल देंगे बरकत के लिए। अलैहिम बरकात, उसके ऊपर बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर बरकत नाजिल फरमाएगा। और ऐसा नहीं लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आसमानों जमीन से उसके लिए बरकतें नाजिल होंगी। शर्त क्या रखी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ईमान वाला होना चाहिए, नाम का ईमान वाला नहीं। आज हम और आप नाम के मुसलमान हैं, नाम के मोमिन हैं, नाम के ईमान वाले हैं, नाम के कुरान आने वाले हैं, नाम के इस्लाम वाले हैं। हमारा काम नामा, हमारे अमल बहुत ही बद से बदतर है, बद से बदतर। एक होता बद, इससे भी ज्यादा कहीं कहीं गुजरे। नमाज से मतलब नहीं, कुरान से मतलब नहीं, तरावी से मतलब नहीं, क़यामुल लैल से मतलब नहीं, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। और नाम जब आएगा सबसे पहले आप मुसलमान हैं, काहे का मुसलमान, मुसलमान वाले तो एक भी हरकत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन قام رمضان ایمانا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जो आदमी ईमान और एहतसाब के साथ, यहाँ भी अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान और एहतसाब के साथ रमजान में क़यामुल लैल का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को, अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। किसी को ख्वाहिश नहीं, किसी की आरज़ू नहीं, तमन्ना नहीं अपने गुनाहों की माफी कराने की। हम और आप लगे हुए हैं इधर उधर शॉपिंग में लगे हुए, जेब व आराइश में लगे हुए, जीनत में लगे हुए, तरावी से मतलब नहीं, दर से मतलब, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर बरकत चाहते हो
तो पहले ईमान वाले बनो, वो भी नाम के ईमान वाले नहीं, नाम के मुसलमान नहीं, सच्चे पक्के मुसलमान, सच्चे पक्के मोमिन बनो। और इसी के साथ साथ अगर कोई बंदा सही मानों में मोमिन है तो उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, वो बुराई नहीं करेगा, अल्लाह की मासियत नहीं करेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, कुरान को नहीं झुठलाएगा, कुरान के साथ मजाक नहीं बनाएगा। तो दो चीजें अगर किसी बंदे के अंदर है तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतों से नवाजेगा और आसमान से उसके लिए बरकत नाजिल होगी। एक ईमान वाला होना चाहिए पक्का सच्चा, और दूसरा मुत्तकी होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर बयान फरमाया, आज मुसलमान रोना रोता है कि हम जलील खार हैं, दुनिया के अंदर कोई इज्जत नहीं, कोई तकरीम नहीं, लोग मार रहे, पीट रहे, लूट रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन, गम ना करो, रंजीदा ना हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। और क्या शर्त क्या बयान फरमाया, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, सच्चे पक्के मोमिन। जिस तरीके से सहाबा करम की जिंदगी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी, लोग देख करके इस्लाम लाते थे, उनके अमाल ऐसा था कि तबलीग तो करते थे लेकिन उनके कारनामों को देख करके लोग जो मुतासिर होते थे, मुसिर होते थे उनके अमाल देख करके, इस तरीके से वो इस्लाम लाते थे। तो अगर कोई आदमी सच्चा पक्का मोमिन है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बरकत नाज़िल फरमाए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा है सूरह आराफ के अंदर। ये नौवां पारा ऐसा है, इसमें बार बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का मुकालमा हुआ, बार बार तज़किरा किया गया। मैं चंद बातें कहकर के अपनी बातें खत्म करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब मुकाबला हुआ जादूगरों से जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ तो उसका पसे मंजर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ यूं खींचा है कि फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين, अगर आप कोई मौजजा लेकर के आए हैं, कोई चीज अगर आपके पास है तो उसको पेश कीजिए, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फअल्का असाहु फइज़ा हिय सुअबान मुबीन, अपनी लाठी को फेंक देते हैं, अपनी लाठी को उसके सामने पेश कर देते हैं, वो एक अजनहा बन जाता है। वो लाठी में इतनी तासीर थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखी थी कि जहां कहीं भी लाठी मारते थे, समंदर पे मारा तो समंदर में रास्ता बन गया, पत्थर पे मारा पानी उबल आया, जमीन पर फेंका अजनहा बन गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े के तौर पर दिया हुआ था। तो फिरौन ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, अगर आप सच्चे हैं मौजज़ा दिखलाइए कुछ, अगर आप सच्चे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंका और जमीन पर अजदहा बन गया। और इसी तरीके से वना ज़ायदहु फ़ैज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, एक मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, वो हाथ को बाएं तरफ से निकालते थे और हाथ रोशन हो जाता था। ये एक तरह की जो निशानी, एक तरह की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे रखी थी कि वो हाथ निकाले रोशन हो गया। तो ये दो चीजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने पेश की, और ताकि सदाकत के तौर पर उनके पास मौजजा है। फिर लोगों ने देखा तो फिरौन को भड़काया, अरे ये तो जादूगर है, क्योंकि उस दौर में जादू का दौर दौरा था, हर तरफ जादू का चलन था, कोई भी आदमी जादू दिखाता था, करतब दिखाता था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजजा पेश किया जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से था, तो लोगों के लगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जादू दिखा रहे हैं, जादूगर है। फिर उसके हवारियों ने फिरौन को बहकाया, कहा कि ये तो जादूगर है, तुमको तुम्हारी जमीन से निकाल देगा, तुम्हारी सरकारी छीन लेगा, तुम्हारी इख्तदार को छीन लेगा। बोला, उसने ऐलान कर दिया कि हमारा मुकाबला होगा मूसा अलैहिस्सलाम से। लोगों को जमा किया, बहुत दूर दूर से जादूगर आए, और जादूगरों ने क्या कहा कि अगर हम गालिब हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ अजर है, कुछ रुपया पैसा मिलेगा, मालो दौलत मिलेगी। फिरौन ने कहा कि मैं तुमको करीब कर लूंगा, तुम हमारे करीब हो जाओगे, तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी। फिर उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये कुरान में पूरा है, मैं एक आयत तर्जुमा नहीं करना चाहता, तफसील में नहीं जाना चाहता, एक आयत है इसके बारे में पूरी तफसील है, मैं पूरा वाकया बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मजीद में है, नौवें पारे के अंदर, आप तीसरे सफे पे जाकर के देखेंगे तो ये बयान किया गया है। फिर वो लोग कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि तुम जो है मौजजा दिखलाओ, तुम जादू दिखलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, तुम दिखलाओ।
फिरौन लोग दिखलाते हैं और लोगों की नजर बंद कर लेते हैं। जादूगर कैसा करते जादू, अपने नजर जो है बंद कर लेते हो लोग। अब जो भी चीज दिखा रहे सांप की शक्ल में दिखाई दे रहा, कुछ और दिखाई दे रहा, चमत्कारी दिख रही है वो जादू। फिर है थे मूसा अलैहि सलाम, वा वहीना इला मूसा अन अल्क़ी असाक, अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहि सलाम से कहता अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दो। अब जो लोग वो जादू दिखा रहे थे जादूगर, अब अज़दहा ये लाठी फेंकते हैं, मूसा अलैहि सलाम का जो अज़दहा जो लाठी थी वो अज़दहा बन गया, सांप की शक्ल में इतना बड़ा कि सारी चीजों को निगलने लगा। जादूगर परेशान हैरान, ये क्या हो रहा भाई, हम तो जादू दिखा रहे हैं, ये तो मौजज़ा है, सही मानों में दूसरी ही चीज है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कुछ है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है ये। मूसा अलैहि सलाम के बारे में जादूगरों का ये अकीदा हो गया। फगलबु हुनालिक वनقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين, सारे के सारे जादूगर जो थे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मूसा अलैहि सलाम का सजदा करते, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेस हो गए और कहा कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम नबी अकरम पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं, और क्या कहते हैं रब्बी मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन को देख करके गुस्सा आता, अरे ये क्या हो गया, जादूगर तो मेरे साथ थे, मेरे रहनुमा थे, मेरे खिलाफ मेरे उसमें आए हुए थे, और ये लोग मूसा अलैहि सलाम के बाद हुआ थे, इनके साथ जो है मिल गए। उसने कहा कि तुम लोग मक्कार हो, तुम्हारा जो सरदार है ये मूसा अलैहि सलाम है, ये मूसा है तुम्हारा सरदार, हो तुम इसके हवारी मवारी हो और तुम इस पर ईमान ले आओ। कहा कि मैं तुम्हारे जो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, दाहिना हाथ काटूंगा, बाया जो है पांव काटूंगा, यानी मुखालिफ काटूंगा। उन लोगों ने क्या कहा, قالوا آمنا برب رب موسى وهارون وما تنقم منا الا ان آمنا بالله وما جاءنا الا منقلبون, कहा कि कुछ भी कर लो तुम लोग, कुछ भी कर लो, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे से जो ईमान ले आए हम पलट नहीं सकते। कहा कुछ भी कर लो, मार डालो, कुछ भी कर दो, कत्ल कर दो, घर से निकाल दो, वतन जिला जिला वतन कर दो, हम फिर नहीं सकते। यही जादूगर जब ये कह रहे थे कि हमारा जब मुकाबला होगा मूसा अलैहि सलाम से, अगर हम जीत जाएंगे तो कुछ मिलेगा, अब क्या करें, कुछ भी कर लो, हम ईमान ले आए कुछ नहीं हो सकता, हम पलट नहीं सकते। ये अल्लाह का रब्बुल आलमीन का जो है मुअज्जज़ा इसी तरीके से हुआ, और इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले फिरौन पर बहुत सारी मुसीबतें नाजिल फरमाई, बहुत सारे अजाब से दो चार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन 130 नंबर आयत के अंदर फरमा रहा है, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, जो फिरौन की कौम थी उनके ऊपर तरह तरह के अजाब मुसल्लत किए गए। पहला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कौम पर तहत साली नाजिल कर दी, गल्ला चावल खाने के लिए चीजें नहीं, और कहा साली यानी पानी को रोक दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। इतनी सरकश कौम थी, इतना कुछ होने के बावजूद असा जो है लाठी अजदा बन गया, जादूगरों को शिकस्त दे दिया, जादूगर अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन अलैहि सलाम की कौम ऐसे थी कि सारी चीजें देखने के बाद भी कुफ्र से शिर्क से बाज नहीं आती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल किया और उसके ऊपर कहसारी नाजिल कर दी, जो गल्ला चावल चीजें जो होती थी वो पैदावार खत्म हो गई, और इसी तरीके से जो फल थे वो नक्सिन मिनस सवरात, फल के अंदर कीड़े मकोड़े पड़ गए, कीड़े मकोड़े फल खाने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, तोड़ नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दो किस्म के अजाब नाज़िल फरमाए, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर और भी किस्म की जो है मुसीबतें नाज़िल फरमाई। फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फादिया वद्दमा आयातिन मुफस्सलात, कि हमने यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा कि हमने उसके ऊपर तूफान नाजिल फरमाया, तो सख्त तूफान से मुराद ये है कि बारिश इतनी ज्यादा होने लगी कि घर के घर डूब गए, सब लोग सैलाब के शिकार हो गए, सारे लोग जो है डूब गए। और इसी तरीके से और बारह मफहूम के एक मुफस्सिरीन किराम ने एक दूसरा मफहूम ये लिया है कि उनके ऊपर मौत इतना ज्यादा आने लगा, लोग इतना ज्यादा मरने लगे कि घर में हमेशा मातम ही रहता था, लोग हमेशा परेशान ही रहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक तरीके से एक अजाब ये भी था, और इसी तरीके से वल जवाद वल कुम्मल, टिड्डियां, टिड्डियां और आप देखते होंगे
फसलों को बर्बाद कर देती थी। ये टिड्डियां इतना ज्यादा मुसल्लत कर दी गई कि एक तो कहसारी की अजाब नाजिल की गई और दूसरा ये कि टिड्डियां उनके ऊपर मुसल्लत की गई, उनके फसलों को बर्बाद कर दी। खाने के लिए खाना नहीं, कोई भी चीज फसल जो है पैदावार नहीं होती थी, गल्ला नहीं होता था। ये टिड्डियों का अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। वह ज़फ़ादिन और मेढक उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। मेढक लोग कहते हैं, मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया है कि मेढक इतना ज्यादा हो गए थे कि वो लोग अपने घर में सोए रहते थे, मेढक उनके ऊपर जाकर के बैठे रहते थे। खाने में मेढक, पीने के लिए पानी उसमें मेढक, हर तरह से मेढक की मेढक। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अज़ाब ये भी नाज़िल फरमाया। वह दम और खून का अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया। मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि वो लोग पानी अगर पीना चाहते तो पी नहीं सकते, पानी खून बन जाता था, पानी खून बन जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस तरीके से अज़ाब नाज़िल फरमाया। तो ये इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आजमाया और बार बार समझाया, लेकिन उनकी कौम इतनी बदबख्त थी, इतना सब होने के बावजूद भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बदले में अजाब जो है नाजिल फरमाया और हम और आपको मालूम है कि फिरौन और उसके मानने वाले सब कौम जो है बर्बाद हो गई और गर्कयाब हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा खींचा है। فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين کہ ہم نے اس قوم سے انتقام لیا کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میڈک جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دیے گئے، ٹڈیاں مسلط کر دی گئی، پانی کا سیلاب آیا، خون پانی جو ہے خون میں تبدیل ہو گیا، پھر بھی وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں۔ फिर आखिरकार ऐसा हुआ कि बनी इसराइलियों या नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को ये जो है फिरौन पीछे पड़ गया, दौड़ने लगा, मारने की जो है दुमान में आया। फिर ऐसा हुआ कि आगे समंदर पीछे फिरौन की लश्कर, मूसा अलैहिस्सलाम से उनके कौम वाले कह रहे हैं कि ऐ मूसा क्या होगा, आप कौन बचाने वाला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना मअ रब्बी सयहदीन कि बेशक हमारे साथ मेरे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसकी मदद आएगी। और क्या होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि आसा को मारिए, समंदर में मारते हैं और रास्ता बन जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले जो है निकल जाते हैं और फिर मूसा का ये फिरौन जाता है बीच में जाते ही क्या हो जाता, समंदर में फिर जो है आसा मारते हैं और वो समंदर पूरा एक साथ मिल जाता है, रास्ते में मिल जाता है और वो गर्क हो जाता है। इसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा है। फतकन्ना मिनहुम फअग्रकनाहुम कि हमने उससे इंतकाम लिया, फअग्रकनाहुम फिल यम और हमने उसको पानी में डुबो दिया। बेअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना क्यों, क्योंकि उसने हमारी आयतों को झुठलाया, तकज़ीब की, वकानू अन्ना गाफिलीन और वो गाफिलों में से था। हदीस में आता है कि ऐसे मौका पर फिरौन ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का दावा किया। वो फिरौन जो क्या करे था, वाना रब्बुकुमुल आला कि मैं ही आला रब हूँ, मैं रब हूँ, मैं ही लोगों को जिलाता हूँ पिलाता हूँ। लेकिन जब वो अपनी मौत को सामने देख लिया, उसको लग गया कि मैं मरने वाला हूँ, खत्म होने वाला हूँ, तो उसने भी इकरार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मौत करीब हो जाए, आपके गले के सामने मौत आ जाए और अगर ऐसी हालत में अगर आप तौबा करते हैं तो तौबा काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़र्रिह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तौबे को कबूल नहीं करता है कि जब आदमी मौत को अपने करीब देख ले, उसके गले के अंदर मौत अटक जाए और उसके बाद वो तौबा करे तो वो तौबा काबिल कबूल नहीं है। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कयामत की सुबह तक खुला रहेगा, लेकिन आदमी को मौत से पहले तौबा करना होगा। ऐसा नहीं मौत करीब आ जाए उसके बाद तौबा करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका बताया है और इस तरीके से बनी इसराइलियों का जिक्र कुरान में बार बार आया है कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया गया, फिरौन ने क्या क्या किया। आप कुरान को पढ़े देखेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ों का जो लोग एहतमाम करते हैं, नमाज जो पढ़ते हैं, उन तमाम की इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। वा आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।